चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं, पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है, और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है, और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है, मावा बस्तर, सोबले बस्तर। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं।
इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। हम अपने यहां जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर हो, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना, तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है। कितनी पीड़ा हो, मां सहती रहती है, उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा, और इसलिए मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी, सहती थी। तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है, 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार फिर एक बार, बचत बढ़ाए बार बार फिर एक बार। साथियों, दुनिया में 10 साल का सबसे बड़ा महासंकट आया, कोरोना, कोविड। लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं, मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए।